जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ऐसा नतीजा कभी कहीं देखा नहीं गया, वैसा नतीजा हरियाणा में आया। देश में इंडिया गठबंधन की अगर देश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कहीं एक प्रदेश में आया तो 48%, 47.6% इंडिया गठबंधन का 28 राज्यों में अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत किसी एक राज्य में मिला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला, मैं बधाई देता हूं। सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, भाजपा से 2% ज्यादा मत हमें मिले, हमारी 5 लोकसभा सीट आई हरियाणा में, लेकिन उसके साथ साथ 46 विधानसभा सीटों में हमें बढ़त मिली और भाजपा को केवल 44 विधानसभा सीटों में बढ़त मिल पाई। और एक और मैं आपको बताऊं, एक जादुई एक आंकड़ा, 10 की 10 लोकसभा सीट पे चाहे हमारी 5 में जीत हुई हो, बाकियों में बहुत नजदीकी मुकाबला रहा हो, लेकिन 10 की 10 सीट पर कांग्रेस के 1% में भारी बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई है 10 की 10 सीट में। जिन सीटों पे हम नहीं भी हमारी सफलता मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ जैसी सीट जहां पे बहुत नजदीकी मुकाबला रहा, वहां भी कांग्रेस की वोट प्रतिशत में 21% बढ़ोतरी हुई पूरे प्रदेश में हर सीट। और एक और मैं बता दूं, 90 की 90 विधानसभा सीटों में, यह भी एक जादुई बात, पहली बार ऐसा हुआ होगा 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की वोटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वोट घटी है 90 की 90 सीटों। यानी कि हरियाणा के कोने कोने में, कहीं भी हरियाणा की किसी कोने में कोई सीट हो, हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। तो ये हरियाणा वालों ने बदलाव का अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है, बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है।